नमस्कार, दिस इज कनिष्क चौधरी, सर्टिफाइड योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट। तो दोस्तों, एक बहुत क्विकली मैं टॉपिक बहुत जल्दी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जनरल लोगों ने भी बहुत क्वेश्चन मेरे से इस बारे में पूछे हैं और यूट्यूब पे भी काफी बार पूछा गया है। सवाल ये है कि सर, हम योगा किस वक्त करें? सुबह करें, दोपहर करें, शाम को करें? आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, सुबह 7-8 बजे योगा करना बड़ा मुश्किल बात है, उठना भी, रजाई से बाहर निकलना बड़ी मुश्किल बात है। तो लोग अपना योग छोड़ दे रहे हैं और अपने काम में व्यस्त हो जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपना कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन वो फिजिकली कहीं ना कहीं जो गर्मियों में कर पाते थे वो ठंड में नहीं कर पा रहे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे तो दोपहर या शाम को आप कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिलता है। सोने से पहले भी आप योगा कर सकते हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी अगर उससे पहले आप योगा करेंगे। मॉर्निंग में हम योगा क्यों करते हैं, देखो उस बात को समझिए। मॉर्निंग में जब हम योगा करते हैं हमारा पेट भी खाली होता है, क्योंकि रात को हमने मील ली हुई होती है, 8-9 घंटे हो चुके होते हैं, हमारा पेट खाली होता है, दिमाग भी शांत होता है, तो उस वक्त फैट भी अच्छे जल्दी बर्न हो जाता है हमारी बॉडी से, क्योंकि बॉडी खाली होती है, कार्ब हमारा पूरा डिप्लीट हो चुका है, कार्ब खत्म हो चुके हैं, बॉडी अच्छा, मतलब एक कह सकते हैं कि एक तौर पर फैट पर काम किया जाता है सुबह सुबह। प्लस अगर आप मानसिक, आपको मानसिक, आपको मतलब कोई कोई लोग सुबह दिन में शाम तक अच्छे नहीं रह पाते, मानसिक शक्ति से दिमाग उनका उथल पुथल रहता है, तो सुबह दिमाग शांत रहता है क्योंकि आप अच्छी नींद लिए हुए होते हैं। तो सुबह के कुछ फायदे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू शाम को या रात को आप कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं सुबह, तो दोपहर या रात को किसी भी वक्त आप योग कर सकते हैं, ये बात जान के रखिए। मॉर्निंग में हो सकता है आपको मॉर्निंग में 100% फायदे मिले, लेकिन शाम का या दोपहर का करने में आपको मान लीजिए 95% या 99% फायदे मिले, इतना ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। मुख्य तौर पर बात यह है कि आपका पेट खाली रहे, 1.5 या 2 घंटे पहले आप मील लिए हुए हो, पेट आपका खाली रहे और अच्छी तरीके से आप एक मानसिक शक्ति के साथ अपने शरीर और अपनी बुद्धि के साथ आप योग करें। क्या होता है, बहुत बार हम योग कर रहे हैं, कोई ताड़ासन कर रहे हैं, कोई कुछ भी आसन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी उस अलाइन में नहीं रहती है। बॉडी को अलाइन में करना बहुत ज़रूरी है, खुद में उस वक्त खुद में ही रहना है जब आप योग कर रहे हैं। आपका दिमाग और आपका शरीर का संतुलन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दिमाग का और शरीर का संतुलन नहीं है, दिमाग आपका कहीं और पड़ा है किसी चीज़ खाने में या इधर उधर जाने में, और आप योग कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, कोई इसका फायदा नहीं है, ना ही कोई फिजिकली आपको कुछ चीज मिलेगी, ना ही मेंटली, ना ही आप मानसिक शक्ति पा सकते हैं। अगर आपको योग करना है, अच्छे से करना है, तो प्लस आपको अपने दिमाग को भी कंट्रोल में करके, बॉडी पे, शरीर पे रख के, आपके सांस पे केंद्रित करके, अपने जो मुख्य तौर पर बताई जाती हैं, अपनी चेस्ट आउट करके, कमर सीधी करके, कोर को रिट्रैक्ट करके, अंदर की ओर खींच के, ग्लूट्स टाइट करके, जो बहुत आसन किए जाते हैं, अच्छे से ध्यान और बुद्धि के साथ वो आसन आप करेंगे, तब आपको फायदा मिलेगा। तब आप बिना बात की योग आप कर गए, और योग को बदनाम बिल्कुल ना करें कि हम योगा कर रहे हैं, कोई भी रिजल्ट फिर आते नहीं है, तो योग उसमें बदनाम होता है, फिर आप छोड़ देते हैं, 2 लोगों को और बताते हैं, वो भी डीमोटिवेट होते हैं और वहाँ योग छोड़ते हैं। तो योग ऐसा भी नहीं है कि आपको 10 दिन में 15 दिन में फायदा देगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको निरंतर करना पड़ेगा, जिस तरीके से आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसी तरीके से आपको योग करना है, क्योंकि योग एक लाइफ है। योग आपको ये नहीं है कि बस बीमारी से हटा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। योग आपका जिंदगी जीने का एक तरीका है, इस बात को समझिए। हर रोज योग कीजिए जब आपको टाइम मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम, इस बात में कुछ नहीं है। सिर्फ पेट खाली होना चाहिए और मानसिक शक्ति आपकी बढ़ेगी जब आप योग करने लगेंगे धीरे धीरे, और आपका दिमाग एक जगह स्टेबल होना चाहिए आपकी बॉडी पे। तो सिंपल क्वेश्चन, योग करना स्टार्ट कीजिए, बहाने मत बनाइए। नई साल आ रही है, अच्छी सीरीज में लेके आने वाला हूँ आपको। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब रेगुलर आपको वीडियोज मिलेंगी। वीडियो देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, नमस्कार।